मेरे ब्रेकिंग प्रॉब्लम हो गया, मैं ब्रेक पूरा मार रहा हूँ, यहाँ का पूरा दब रहा है और ब्रेक लग नहीं रहा है, थोड़ी समस्या आ रही है। दो बार पंप करने के बाद एक बार लग रहा है। जब भी सर्विस पे जाती थी ब्रेक, लोगों ने ध्यान नहीं दिया इसमें, यहाँ पे लॉक रहता है, लॉक है ही नहीं इसके अंदर। ये देख सकते हैं, ये होता है एडजस्टर में, ग्रीस दिया है, इसका नट दिया है, स्प्रिंग दिया है, और मेन जो पार्ट जो मेरा मिसिंग है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये लॉक। ये देखिए ये लॉक देख रहे हैं, ये लॉक, ये 180 रुपीज़ का एक साइड का, मैंने दोनों साइड का एक पैकिंग। ये देखिए ये लॉक, मैं लॉक मैंने यहाँ पर फिट कर दिया है, और मैंने अभी ये पूरा किट यूज़ नहीं किया। तो दोस्तों मैं भी नैनू से निकला था मुंबई के लिए, और मैं भी जस्ट फ्रीवे पहुंचने वाला हूं चेंबूर, अभी CNG लाइन में खड़ा हूं। तो अब मेरे नैनू में एक समस्या आ गई अचानक, मैंने इसका भी ध्यान नहीं था कि हो सकता है, देख सकते हैं, दिखाना चाहूँगा। मेरे ब्रेकिंग प्रॉब्लम हो गया, मैं ब्रेक पूरा मार रहा हूँ, यहाँ पूरा दब रहा है और ब्रेक लग नहीं रहा है, थोड़ी समस्या आ रही है। दो बार पंप करने के बाद एक बार लग रहा है। अगर एयर का इशू नहीं हुआ तो, क्योंकि मैंने सिलेंडर लास्ट टाइम में चारों चेक करवाए थे, दो नया लगवाया था, जैसे आपने मेरे लास्ट के सर्विस में देखा होगा, उसके बावजूद भी ब्रेक नहीं लग रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम मुझे इसके मास्टर सिलेंडर में हो सकता है कि प्रॉब्लम आ गई हो, तो वो ब्रेकिंग नहीं ले पा रहा है, इसकी वजह से मुझे भी बड़ी समस्या आ रही है। गाड़ी आराम से चलानी पड़ रही है, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते ज़्यादा स्पीड चलाने का, अचानक पंप मारने के बाद भी ब्रेक नहीं लग रहा है। तो देखते हैं एक्चुअली समस्या क्या है, थोड़ा देर चलाता हूँ। मुझे आज काफ़ी लंबा ड्राइव करना था, मुंबई के बाद साउथ मुंबई जाके उसके बाद बोरीवली जाना है। देखते हैं कैसे जर्नी कंटिन्यू कर पाता हूँ कि नहीं, आराम से चलानी पड़ेगी कार मुझे। तो सभी प्रॉब्लम मैं आपको शेयर करता हूँ। अभी लोग फेल हो रहा है, इसके साथ में मैं ऑयल का लेवल चेक कर रहा हूँ, देखेंगे तो ऑयल का लेवल पूरा फुल है, ये देख सकते हैं ऑयल भरा हुआ है, ऑयल बिल्कुल भी कम नहीं है, यानी लीकेज होता है अगर टाइम पे ऑयल की लाइन में जिससे ब्रेक नहीं हुआ, तो वो समस्या भी नहीं है इसके अंदर। समस्या इसकी क्या है, मैं तो बूस्टर सिलेंडर की लग रही है, क्योंकि ये समस्या मेरे से पहले हो चुकी है, जब मेरे पास 4 रुपये थी उससे मुझे काफ़ प्रॉब्लम आई थी। तो मुझे लगता है मास्टर सिलेंडर में ही प्रॉब्लम है, जो बूस्टर बोलते हैं इसको, ब्रेक बूस्टर, तो दिखाता हूँ ब्रेक बूस्टर कौन सा होता है। ये देखिए पीछे का लगा ना, ये मास्टर सिलेंडर ब्रेक बूस्टर से लगाया था, उसमें ही समस्या हो सकती है। तो देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम है अगले प्लेस के अंदर। The next day. बट अभी आज के दिन मेरे नैनो में एक इशू आ गया है। इशू ऐसा आया है कि कार का मेरा ब्रेक फेल हो चुका है, कार में मेरा ब्रेक लग नहीं रहा है, बहुत मुशक्कत से बाहर लग रहा है, मुझे डबल पंप करना पड़ता है, और सिंगल जगह मैं ब्रेक दबा रहा हूँ तो ब्रेक, अभी मैं जिस प्रेस कर रहा हूँ तो भी ब्रेक लग नहीं रहा है, और लग रहा है तो बहुत ही नॉर्मल लग रहा है, ना के बराबर है। सडन ब्रेक लगाने में मतलब प्रॉब्लम है नैनो में, बाकी गाड़ी में कोई इशू नहीं है, गाड़ी सही काम चल रही है, रनिंग में भी कोई इशू नहीं है, बट जो मेन इशू आया है इसकी ब्रेकिंग में आया है, ब्रेक लग नहीं रहे। तो आज छुट्टी का दिन है 2 अक्टूबर, तो मैं सोचा कि मैं दिखा दूं जाके सर्विस सेंटर में। जो मैंने पूरा इसका मैंने चेक किया है, मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि इसका बूस्टर गया है, क्योंकि लाइनर को मैंने लास्ट सर्विस के टाइम पर ही बदली किए थे, और मैंने इसकी सेटिंग भी चेक करी, तो ड्रम की सेटिंग होती है, ड्रम में जो सेटिंग होती है लाइनर के साथ में, जब हम जो ड्रम लगाते हैं ड्रम में, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए लाइनर को ड्रम के बीच में, ताकि वो फ्री ना चले व्हील, वो सब सेट करके चारों का मैंने चेक करके देखा पर्सनली, तो ब्रेक टाइट हो जाते हैं जो सेटिंग कर देते हैं, उसके बाद में कुछ दिन एक दो दिन चलती है तो फिर उसका सेटिंग ख़राब हो रही है, जो ब्रेक है पूरे प्रेस हो रहे हैं ब्रेक लीवर नीचे का, और प्रेस होने के बाद ब्रेक काम ही नहीं कर रहे। एयर भी रिलीज करके देख लिया मैंने अपने लेवल पे, अब मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर पे, और वो लोग से मैं दिखा के पूछता हूँ कि एग्जैक्टली वो लोग को क्या लग रहा है कि कार में क्या समस्या है, ब्रेक काम नहीं कर रहा है। तो मुझे तो मेरे हिसाब से तो ब्रेक बूस्टर ही हो सकता है, दूसरी तो कोई बड़ी मेन चीज़ है ही नहीं इस टेक्नोलॉजी नैनो में जो ख़राब हो सकती है, या ब्रेक बूस्टर से रिलेटेड कोई वैक्यूम की लाइन लीक हो या कुछ भी हो, जो मास्टर सिलेंडर को वर्किंग में तकलीफ दे रहा है कोई समस्या है। तो फटाफट पहुँचते हैं सर्विस सेंटर और देखते हैं मेरे डाटा नैनो में क्या समस्या आ रही है, और तो मैं आपको वहाँ पर बताता हूँ मेरे नैनो से जुड़ी समस्या। A few moments later. देख सकते हैं मैंने अभी फ्रंट राइट साइड का लाइनर ओपन किया है, ये देख सकते हैं, और इसमें एक समस्या क्या आ रही है, आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहा था, तो मैं सर्विस सेंटर में लेके गया जब सुबह, तो मैंने उनको कहा कि मेरे
कार के लाइनर के जो ब्रेक सेटर है, ये देखिए ये सेटिंग का जो ये आता है, इसमें यहाँ पे एक लॉक रहता है यहाँ पे इसको रोकने के लिए, ये लॉक, ये लॉक इन दोनों साइड में फ्रंट में निकला हुआ है। क्या होता है जब भी सर्विस पे जाती थी ब्रेक, लोगों ने ध्यान नहीं दिया इसमें, यहाँ पे लॉक रहता है, लॉक है ही नहीं इसके अंदर। मेरे कार का बार बार मेरे कार का सेटिंग चेंज हो रहा था और प्रॉब्लम ऐसा आ रहा था कि ब्रेक नहीं लग रहा था, जैसे कि मैंने कहा मुझे शट आउट बूस्ट, लेकिन मैंने कहा पहले इसका सेटिंग या इसको पहले लॉक इसको फिट करके देखते हैं, क्योंकि सेटिंग शायद स्लिप हो रही है, घूम जा रही है। तो उन्होंने कहा कि एक सर्विस वालों ने कि भाई इनको आपको अगर ये लेना है तो कंपनी में क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रही पूरी प्लेट, ये सिलेंडर के साथ में ये पूरा सेट आएगा किट के साथ में, वो 2500 रुपये का था। तो मैंने कहा इतना कॉस्टली लगा कि मतलब नहीं है, अगर बूस्टर में प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं 7500 को ब्रेकिंग का पूरा सेट करने जाएंगे तो लगभग 20000 तो ब्रेकिंग का खर्चा आ जाएगा। तो मैंने बोला ये तो बहुत ज़्यादा खर्चीला है, तो ये मैंने मना कर दिया। और मैं भी उल्लासनगर गया था इंक्वायरी करने के लिए, तो उल्लासनगर में मुझे सब किट मिला, रिपेयर किट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लेफ्ट और राइट दोनों का मिला है। ये देखो कैसे बॉक्स पैकिंग में आता है, ये है लेफ्ट हैंड साइड का, फिर हमारे भी देख सकते हैं 184 KBX का, मतलब ब्रेक पार्ट में करके आता है, रिपेयर किट आता है एडजस्टमेंट, लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं लिखा है लेफ्ट हैंड, वो देख सकते हैं ऐसा पैकिंग रहता है। ये देख सकते हैं ये होता है एडजस्टर, में ग्रीस दिया है, इसका नट दिया है, स्प्रिंग दिया है, और फिर मेन जो पार्ट जो मेरा मिसिंग है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये लॉक, ये देखिए ये लॉक देख रहे हैं, ये लॉक, ये 180 रुपीज़ का एक साइड का, मैंने दोनों साइड करा, एक पैकिंग बड़ा है एक पैकिंग छोटा है, शायद आगे पीछे पैक किया होगा, सेम देख सकते हैं इसमें 184 MRP है, राइट हैंड साइड का है। तो ये किट मुझे मिल गया है, मैं इसको फटाफट फिट करता हूँ, देखता हूँ कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली बूस्टर में है, क्योंकि बूस्टर की फॉल्ट मुझे नहीं लग रही है। मैंने पहले सोचा कि बूस्टर जब मैं सेट करता हूँ तो ये काम करता है, लेकिन बाद में फ्री हो जाता है ड्रम, देख सकते हैं लॉक नहीं होने की वजह से ब्रेक फ्री चलता है, एकदम ही स्मूथ चलने लगता है, मुझे डाउट उसी चीज़ का है। तो मैं इसको फटाफट इस स्विच को मैं अभी ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद में और मैं इसको फिट करके आपको बताता हूँ। अभी दोस्तों देख सकते हैं मैंने ये लॉक जो मेन समस्या हो रही थी मैंने आपको दिखाया, जैसे कि ये देखिए ये लॉक में लॉक मैंने यहाँ पे फिट कर दिया है, और मैंने अभी ये पूरा किट यूज़ नहीं किया है इसका, खाली मैं पुराने किट में लॉक ला के मैं चेक करता हूँ। ये देख सकते हैं लॉक, ये मेन ये लॉक देख सकते हैं, और ये थ्रेड अभी इतना ख़राब नहीं हुआ है तो काम चलेगा। तो मैंने इसका लॉक फिट किया है, मैं इसे फटाफट लगाता हूँ मेरी कार में और सेटिंग करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं इसमें यहाँ पे तीन जगह ग्रीस लगाना ज़रूरी होता है, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5, 6 देख रहे हैं, ये सब पोर्शन यहाँ पे ग्रीस लगाना पड़ता है, तो ब्रेक बराबर से ब्रेकिंग परफेक्ट नहीं होता, स्मूथ नहीं करता, आवाज़ करती है। तो स्पीड के साथ में ग्रीस का छोटा सा डिब्बी दिया है, देखिए ये वाले पोर्शन में इधर पे भी लगेगा, इधर देख सकते हैं सब जगह ब्रेक स्लाइड करने के लिए अंदर बाहर इजीली होता है कि यहाँ पे और यहाँ पे, इस सब पोर्शन में आपको ग्रीस लगाना अच्छे से। लॉक फिट कर दिया है, उसके बाद में मैं अभी और इसका ब्रेक का सेटिंग कर रहा हूँ। आपको देखिए ब्रेक तब तक टाइट करना है आपको, ये घुमा घुमा के जब तक कि वो लाइनर एकदम ड्रम पे परफेक्ट फिट ना हो जाए, और ड्रम लगा के बार बार इसको चेक करना है, चेक करने से इसको आपको टैप भी करना है, टैप करने से आपको क्या होता है कहीं पे लाइनर ठीक से फिट नहीं हुआ होगा, तो देखिए टैप करने से क्या वो परफेक्ट फिट हो जाएगा। अगर ये लाइनर लगाने के बाद अगर ये घूम नहीं रहा है तो आपको फिर निकालना पड़ेगा। देखिए मैं घुमा के चेक कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा अभी लूज़ है, ये इतना फ्री नहीं चलना चाहिए लाइनर की, आपका ड्रम एकदम फ्री घूमे, थोड़ा सा हल्का स्लाइड टाइट रहेगा तो चलेगा। तो ये सेटिंग आपको तब तक करनी जब तक आपका ड्रम है वो परफेक्ट वहाँ पे फिट ना हो जाए। तो मेरी समस्या जो आ रही थी, मेरा वहाँ पे लॉक नहीं था, लॉक नहीं होने की वजह से वो ड्रम बार बार वहाँ पे जो सेटिंग कर रहा था वो स्लिप हो जा रहा था, जिसकी वजह से मेरी सारी समस्या आ गई थी। और ये लॉक जो छोटा सा लॉक देख सकते हैं, हार्डली उसकी कीमत कितनी होगी, 10 से 20 रुपये या 50 रुपये की होगी, किट 180 का आ रहा है, क्योंकि कंपनी ने मुझे 2500 रुपये कहा था उसका कि 2500 रुपये लगे पूरा असेंबली बदलने का, जिसके लिए मैंने मना कर दिया। मार्केट से मैंने पता किया KBX का लॉक सेट लेके आया कि मात्र 180 रुपये का है, तो मैं उसको लगा के अभी टैप करके पूरा फिट कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं ड्रम अभी कैसे थोड़ा फ्री भी है और लूज़ भी नहीं है, टाइट घूम रहा है। तो इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया हूँ, तो ये सेट करके मैं जब तक उसको सेट करूँगा जब तक परफेक्ट सेट ना हो जाए। और ये सेटिंग मैं 2 बार करके पहले देख चुका था, वो सेटिंग बार बार लूज़ हो रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बाद में मेरे जब सर्विस सेंटर में गया तो उन्होंने बोला कि आप का ये
लॉक नहीं होने की वजह से भी समस्या आ सकती है। तो मेरा ब्रेन में थोड़ा क्लिक हुआ, तो मैंने बोला ठीक है पहले मैं काम करता हूँ कि ये लॉक ही पहले फिट करके देखता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो मैं इसको फटाफट अभी आपको टाइट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने अभी लगभग टाइट कर दिया है, देख सकते हैं बराबर, ना ज़्यादा पकड़ रहा है ना ज़्यादा लूज चल रहा है, तो ये पोजीशन में आपको होना चाहिए। तो मैं इसको फिट कर ड्रम को टाइट करने से पहले आप देख सकते हैं पहले वॉशर आता है, वो वॉशर को आपको लगा के फिट कर देना है। उसका जो एक सेटिंग आती है वहाँ पे कट होता है, कट में प्रॉपरली बैठ जाता है। फिर ये नट आता है 24 नंबर का टूल लगता है, इससे इसको फुल टाइट कर देना अच्छे से। और अगर आप इसको हो सके तो मैकेनिक से ही करवाइए, क्योंकि आप खुद इसके घर पे ट्राई मत करिए, क्योंकि इसके लिए एक्सपर्ट मैकेनिक लगेगा। मैं आज से नहीं, मैं कई सालों से मैं ये करता आया हूँ, मेरे कई गाड़ी में मतलब गाड़ी में कई सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने घर पर ओपन किया था इसको, क्योंकि इसमें प्रेशर जो लगाना है प्रेशर प्रॉपर नहीं देंगे तो नट अगर आपको लूज़ रहेगा तो आपको रनिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं जस्ट आपको मैंने जो इसको टाइट किया तो मैं देखेंगे, खाली टूल की मदद से टाइट नहीं कर सकते हैं इसको, प्रेशर लेने के लिए मैंने पाइप का इस्तेमाल किया है। इसमें 24 नंबर का पाना लगा के इसको मैं अभी टाइट कर रहा हूँ, तो इसको मैं फुल टाइट करूँगा आप देख सकते हैं। तो ये इसको पहले मैं घुमा के टाइट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं इसको हाई प्रेशर दे के ही इसको टाइट करूँगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉपरली जगह पे बैठ जाते हैं। वहाँ पे एक कट पोर्शन में आपको टैप करके बाद में इसको फिट कर देना होता है नट को, क्योंकि इसमें कोई लॉक पिन नहीं दिया है, जिसकी वजह से समस्या आती है कि ये लॉक पिन देना चाहिए था कंपनी को। यहाँ पे पता नहीं कंपनी ने इसको लॉक पिन नहीं दिया है नट के लिए। जो भी हो, जैसा भी हो, मैं इसको फुल टाइट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से ये फुल टाइट हो जाता है, देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने एक साइड के लिए जो मैंने प्रोसीजर अडॉप्ट किया, सेम मैंने अभी इसका जो लेफ़्ट साइड है उसको भी मैंने इसको फिट करते समय सेम मैंने लॉक जो था उसका भी नहीं था लेफ़्ट साइड पे, सेम मैंने लॉक को फिट करके इसको मैंने लाइनर को लगा दिया है। उसके बाद मैंने जो इसका परफॉर्मेंस आया मैं आपको बताता हूँ, कार में कोई इशू आया कि नहीं आया। अभी देख सकते हैं ड्रम अभी थोड़ा सा पकड़ के चल रहा हल्का हल्का, देख सकते हैं मैंने फिट कर दिया, हल्का हल्का थोड़ा टैप करके देखना है इसको। लाइनर क्या ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं ना, उससे भी थोड़ा सा अगर ये एकदम फ्री चल रहा है तो फिर सेट करना पड़ा, देख सकते हैं अभी भी थोड़ा एकदम ज़्यादा फ्री चल रहा है, तो उसको एक सेटिंग और करनी पड़ेगी छोटी सी। हाँ, तो मैंने इसको कई बार सेट करने के बाद में अल्टीमेटली इसको सेटिंग मैंने करके, जो सेटिंग मैंने पहले राइट साइड दिखाई थी सेम सेटिंग उसकी ड्रम के करके मैंने फिट किया है बाद में। तो वीडियो लंबा ना हो जाए तो मैं वो चीज़ को स्किप कर रहा हूँ, तो आप इतना समझ लीजिए कि सेटिंग जो दिखा रहा हूँ मैं, ये सेटिंग तब तक करनी जब तक ड्रम आपका पकड़ के ना चले। देखो बहुत फ्री घूम रहा है, इतना फ्री नहीं घूमना चाहिए, इतना फ्री घूमेगा तो कोई मज़ा नहीं आएगा ब्रेकिंग में, ब्रेक पैडल अंदर जाएगा। तो जो मेरी समस्या आ रही थी मेरी ब्रेक पैडल की, मैंने चीज़ को गौर नहीं किया स्टार्टिंग में, मैंने ऐसा सेटिंग दो बार कर दिया था पहले भी, उसके बाद भी मैं देखा कि ब्रेक स्टार्टिंग में तो अच्छे लगते थे, बाद में क्या होता था कि ब्रेक पैडल पूरा अंदर जा रहा था और ब्रेक लग नहीं रहा था। तो मुझे जो लगा शायद बूस्टर में कमी नहीं थी, प्रॉब्लम वो जो छोटा सा लॉक बताया मैंने वो लॉक नहीं होने की वजह से मुझे प्रॉब्लम आई। तो मैंने ये जो फिटिंग करने के बाद मेरी गाड़ी कैसे चल रही है मैं उसको अभी थोड़ी देर के बाद आपको पूरे अच्छे से मैं जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, आज हमें कार को लगभग पूरा महीने मैंने इसको यूज़ किया, आज है 23 अक्टूबर आज की डेट। तो जैसे आपने देखा कि अभी तक मेरी गाड़ी में क्या इशू आ रहे थे, मैंने इसको रिपेयर किया ब्रेक को, जो लॉक देखा था आपने छोटा सा लॉक था जिसमें इशू था, बस उसको मैंने बदल दिया। तो तब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, अभी ऐसा कोई समस्या मुझे दिखी नहीं कि कार में कि ब्रेक में इशू आ रहा। अभी मैं पेट्रोल प्रेस भी कर रहा हूँ तो ब्रेक ज़्यादा अंदर नहीं आ रहा, तो मैंने जो शुरू में सोचा था कि बूस्टर का फॉल्ट है, एक्चुअली बूस्टर का फॉल्ट नहीं है। मैंने पता किया, बूस्टर ख़राब रहेगा तो आपका ब्रेक हार्ड हो जाएगा, जैसे नॉर्मली आपका जब बंद गाड़ी में ब्रेक करते हो तो ब्रेकिंग में प्रॉब्लम आने लगता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा था। तो मेन इशू था वो जो आगे का जो लॉक था छोटा सा, वो दोनों साइड का मैंने देख लिया था पहले भी सेटिंग के टाइम पे ही, वो दोनों लॉक मेरे कार में नहीं थे, बट मेरे समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कि ब्रेक पैडल पूरा अंदर प्रेस हो रहा था। आपके साथ अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो आप ज़रूर इसका सेटिंग चेक करवाना। और छोटी सी और इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा कि जो ड्रम है, ड्रम अंदर से घस जाते हैं, तो घसने की वजह से क्या होता है कि आपका सेटिंग प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि ड्रम इंसर्ट करते वक्त साइड की लाइन अटकती है,
तो मैंने उसको फेस करवा लिया था, जिसकी वजह से मुझे वो इशू नहीं आया। आप लेत वाले के पास जाके आप ड्रम का फेस करवा सकते हो, 100-200 रुपए कुछ लेते हैं एक बार का, एक साइड का। तो मैंने वो करवा लिया था, जिसकी वजह से मेरा वो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा था, मैं जब सेटिंग करके पहले दो बार मैंने सेटिंग किया, उसके बाद शुरू में ब्रेक लग रहा था, बाद में नहीं लग रहा था। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि प्रॉब्लम हो कहाँ रहा है। जब बाद में मैंने रिकलेक्ट किया, जिससे मैंने सर्विस सेंटर में लेके गया, जब उन्होंने कहा था कि एक साइड का पूरा असेंबली बदलने का 2500 खर्चा है, तो मैंने पूछा अगर वो लॉक की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है क्या, तो उन्होंने कहा हो भी सकती है, लॉक नहीं है तो शायद वो सेटिंग पकड़ के नहीं रख रहा। सेटिंग में ब्रेक मारने से क्या होता है, बार बार पंप करते हैं तो जो वो थ्रेड होता है, थ्रेड जो लॉक को रोक के रखता है सेट पे, वो स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से सेटिंग चेंज हो जाती है और आपका ब्रेक का जो दूरी होती है लाइनर और ड्रम की वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप पूरा प्रेस करने से वहाँ ब्रेक आपका शू लाइनर तक पहुँच नहीं पाता है, जो कि ब्रेक फील आपका नहीं लगता है। तो ये रीजन मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ, तो मैंने सोचा कि पहले ये लॉक का जो सेट है वो चेंज करवा के देखते हैं। मुझे पता नहीं था कि मार्केट में अवेलेबल है नहीं, कि मेरी नैनो में देखे दो टाइप के ब्रेक आते हैं, TVS और एक KBX। तो मेरी जो नैनो में लगा है वो KBX कंपनी का है। तो मुझे लकली गुलासीगर में एक खाली रिपेयर किट मिल गया, जो कि 180 रुपये का आपको दिखा था पहले, उसे मैंने रिप्लेस किया और मैं अभी एक महीने से चला रहा हूँ। मैंने सोचा कि अभी मैं रिजल्ट होने के बाद ही पूरा वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि जल्दबाजी में वीडियो में बना कर डालू दूंगा तो प्रॉब्लम क्या है वो लोगों को समझ में नहीं आएगी। एग्जैक्टली प्रॉब्लम मेरी गाड़ी में हो कर रही थी, तो मैंने सोचा कि पूरा ट्रायल लूँ गाड़ी का, एक दिन में तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि शुरू शुरू में तो ब्रेक सही लगते हैं, बाद में प्रॉब्लम होती है। तो जिस वजह से मैंने पूरा महीने इसका ट्रायल लिया, तो अब मैं उसका वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन पर्पज देख सकते वीडियो बनाने का, मुझे यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है। मुझे एक्चुअली क्या है, मैं जो कार में एक्चुअल समस्या आती है उसका प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरा खर्चा मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 180 रुपये का था, अगर वो लॉक खाली मिल जाता तो मुझे तो लगता नहीं 50 रुपये ज़्यादा का खर्चा था। वो लॉक की कीमत ज़्यादा नहीं, 50 रुपये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक साइड का 50, दो साइड का 100 रुपया। तो अगर किसी के नैनो में ऐसी समस्या आ रही है कि ब्रेक पूरा पैडल अंदर जा रहा है, वर्क पंप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट ब्रेक लग नहीं रहा लास्ट में, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो सेटिंग का लॉक है वो आपके लगे कि नहीं। क्योंकि लोग लॉक देखेंगे वो प्लग एंड प्ले टाइप है, वो एक सब फिक्स लॉक नहीं है, वो निकल जाते हैं। अगर कोई ब्रेकिंग में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो ब्रेक लॉक बाहर फेंक देता है, और लेकिन वो गिरता अंदर ही है ड्रम के। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ, अब वो ड्रम के अंदर से जब उन्होंने लाइनर ठीक करने के लिए, लाइनर चेंज करते समय मैकेनिक ने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया नहीं, क्योंकि मुझे इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है इसके बारे में। अब गाड़ी खुलती है तो मैं इसमें ध्यान रखता हूँ कि कुछ इशू है कि नहीं है। तो जो भी हो, मेरा कार का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अगर आप कार यूज कर रहे हैं तो आपको ही अपनी चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बड़ा खर्चा हो सकता था। आपने देखा कि अगर मैं बूस्टर ही खरीदने आता तो बूस्टर 7500 का था और वो काफी बड़ा खर्चा था, और उसके बाद भी अगर सेम प्रॉब्लम आती तो मेरा देख सकते हैं कितना नुकसान हो जाता। और सर्विस सेंटर में आप देखेंगे कि वो एक लॉक बदलने के लिए उन्होंने मुझसे पूरा सेट बदलने को कहा, जो कि लगभग की कीमत काफी ज्यादा थी, तो मैंने उसके लिए मना कर दिया कि इतना खर्चा करने का तुक नहीं बनता है, प्रॉब्लम लॉक की तो लॉक ही ढूंढ कर निकाला जाए। मैंने हालांकि उल्लासनगर में एक स्क्रैप डीलर से वो लॉक लिया भी था, लॉक का जो पूरा सेट आता है, तो ज़्यादा बोल रहा था, लेकिन मैंने कैसे भी करके उससे 100 रुपये में ले लिया था इमरजेंसी के लिए। लेकिन लगली मुझे न्यू सेट मिल गया था, मेरा काम बन गया। तो ऐसी सेम समस्या किसी के नैनो में आ रही है तो आप देख सकते हैं, इस चीज़ पे आप करके देख सकते हैं कि मैंने यूट्यूब में सर्च करने की कोशिश करी, इसके ऊपर मुझे कोई वीडियो मिला नहीं, समझ में नहीं आया। तो अगर किसी के सेम समस्या हो रही जो मैं फेस कर रहा था, लॉक ब्रेक डाल दबाने के प्रेस करने के बाद भी ब्रेक नहीं लग रहा है, तो सेटिंग चेंज हो रही है, तो समझ लीजिए कि आपका लॉक अगर नहीं, आप लॉक दोनों आगे और दोनों पीछे भी हैं, ऐसा नहीं कि खाली आपके पीछे आगे लॉक है, पीछे साइड भी लॉक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। पीछे के मेरे लॉक फिट है और पीछे के में मेरे कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह से मैंने मेरे नैनो को सॉल्व कर दिया ब्रेक का प्रॉब्लम। तो दोस्तों आज के लिए बस मेरे इस एपिसोड में इतना ही, जल्द मिलते हैं नई कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल राइड टू एडवेंचर विद धीरज।